तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कार्ड पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर सर्च कर लेते हैं Infinity 10 Pro। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो Infinity 10 Pro पे जो प्रॉब्लम हो रहा है नॉट डिलीवर्ड प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं नॉट डिलीवरेबल। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप कैसे आप Infinity 10 Pro को बाय कर सकते हैं एंड सुरक्षित अपने घर पे मंगा सकते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में आज बताएंगे दोस्तों। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में टोटल डिटेल्स बताएंगे। एंड वीडियो पे नए हैं तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो एंड नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट डिलीवर्ड प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है एंड बाय करना है इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ये प्रॉब्लम शो क्यों होता है फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए शो होता है जब फ्लिपकार्ट के पास स्टॉक काफी कम रहता है तभी इस प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। काफी जो पिन कोड है उनको ब्लॉक कर देता है फ्लिपकार्ट, वो पिन कोड में आप बाय नहीं कर सकते। तो इसे आपको कैसे बाय करना है वो चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसको क्लिक कीजिएगा एंड नीचे आइएगा तो आप देखिए करेंटली आउट ऑफ स्टॉक का भी प्रॉब्लम इसी में आपको शो होगा। आप देख सकते हैं करेंटली आउट ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, चेंज वाले ऑप्शन पे जाना है एंड आपका जो अगल बगल एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर डालना है। जैसे आपका जो आपका एरिया है वहाँ का पिन कोड नहीं डालना, आपका जो अगल बगल का जो एरिया का पिन कोड होगा ना, जैसे मान लीजिए 10-15 किलोमीटर के दायरे में, उस पिन कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। आप उस पिन कोड को फिलअप कीजिएगा तो कोई ना कोई पिन कोड ऐसा होगा जो आपको यहाँ पर अवेलेबल जरूर रहेगा और उस पिन कोड में आप Infinity 10 Pro को इजीली बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं जो हमारे बगल के एरिया है उस पिन कोड को। ठीक है दोस्तों हम डाल लिए और इसमें देख सकते हैं ये इस पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है एंड दोस्तों और डाल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस पिन कोड पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं अभी मैंने जो पिन कोड डाला इस पर अवेलेबल है एंड एक और पिन कोड डाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इस पिन कोड पे भी अवेलेबल है, तो आपने क्या करना है आपको अगल बगल का जो एरिया है 2-4 पिन कोड यूज करना है, कोई ना कोई पिन कोड पे अवेलेबल रहेगा। एंड दोस्तों आपको क्या करना है वहाँ पर जब भी शिप हो जाए उसके बाद जब आउटपुट डिलीवरी हो तो आपको जाके वहाँ से जो स्मार्टफोन है आपको वहाँ से आपको कलेक्ट करना है। इसका ध्यान रखना है जब भी आप डिलीवरी लो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी लेना है, आपको कुरियर बॉय को बोलना है कि भैया आप ओपन कीजिए एंड आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेना है ताकि आपके पास एक सबूत रहे, कोई दिक्कत हो तो आप उसके जरिए आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो। एंड दोस्तों आपको क्या करना है पहले जो आपका स्मार्टफोन है उसे चेक कर लेना है, अच्छे से खोल के चला उला लेना है ऑन करके, उसके बाद आपको उसको OTP सेंड करना है। पहले आप सेंड करोगे तो आपके पास दिक्कत होगी तो आपको डायरेक्ट सर्विस सेंटर से बोलेंगे कि आप ये कर लो, तो फिर आपको बहुत ही परेशानी होगा एंड आपको बहुत ही दिक्कत होगा एंड हो सकता है कि आपका मोबाइल एक्सचेंज भी ना हो। इसीलिए आप इस चीज़ का माइंड में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा और इस प्रॉब्लम से आप बचिएगा क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अभी रिटर्न पॉलिसी को हटा दिया गया है, अभी सिर्फ एक्सचेंज होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। एंड दोस्तों आप ऐसे करके आप आसानी से अपना Infinity 10 Pro को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप सस्ते सस्ते डील्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं एंड Infinity 10 Pro कब कब स्टॉक में आता है कोई भी अपडेट रहता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपडेट दे देते हैं, तो हम यहाँ से अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।